जय श्री राम। सज्जनों, मैं आप सभी के मध्य रामचरितमानस पाठ का बालकांड लेकर के उपस्थित होता हूँ। आज फिर से बालकांड, ये कथा सुनने और सुनाने वाले दोनों के लिए कल्याणकारी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित बालकांड विश्व का सबसे अतुलनीय ग्रंथ है, आइए उसका श्रवण किया जाए। कुछ चौपाइयां मेरे साथ। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुद्ध नय आदरही, सो श्रम बुद्धि बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरत भनित भूत भल सोई, सुर सर सम सब कहाँ हित होई। राम सुकीरत भनित भदेशा, असमंजस यस मोहे अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, ये असमंजस है, मुझे चिंता है। तुमर ही कृपा सुलभ सोहु मोरे, सियन सुहावन टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है, रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरत विमल, सोए आदर ही सुजान। सहज वयर विसरई श्रीफु, जो सुनि करई बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सोना हो या बिनु विमल मति, मोहि मति बलि अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहउ, पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरियश का वर्णन कर सकूँ। कवि को विद रघुबर चरति, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुरचि, लखि मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदहु मुनि पद कंज रमायन, जहन रुमयऊँ सकर सुकोमल मंजु दोष, राहत दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर सहित होने पर भी बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चारु वेद भव, भार दिवोहित सरीस। जिन न सपने खेद वर्णत, रघुबर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता। बंदौ विधि पद रेणु भव, सागर जहि कीन जहाँ। संत सुदास सिधेनु प्रकटे, खल विश्वारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भाव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले हैं, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए हैं।
विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंद कहाँ करी जोर, होय प्रसन्न पुरवहु सकल मंज मनोरथ मोर। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदो शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मंजन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर भी। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है और दूसरी गुड़ और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश करती है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणनो दीन बंध दिन दानी, सेवक स्वामी सखासी अपी के, हित निरुपद सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। कवि विलोक जग हित हरि गिरिजा, साबर मंत जाल जिन सिरिजा, अन मिले आखर अरथ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होती है, तथा श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोह पर अनुकूला, करहि कथा मृद मंगल मूला, सुमिर शिवास उपाय पसाऊ, बसनो राम चरित चित जाऊ। वह उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनित मोर सु कृपा विभाती, शशि समाज मिल मनहु सुराती, जे यही कथाए सनेहु समेता, कहाँ सुनय समुझ सचेता। होई है राम चरण अनुरागी, काली माल रहित मंगल भागी। मेरी कविता शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस पाक कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे, मैं कलयुग के पापों के से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हो सचे हो मोहि पर जाऊँ, हरे गौरी पसाओ, तौफुर हो जो कहु सब भाषा भनित प्रभाव। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी के स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैं इस कविता का जो प्रभाव कहा है वो सब सच हो। बंदो अवधपुरी अति पावन, सरजू सरि कलि कलुष नसावन, प्रणवपुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ने थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और श्री कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है। से निंदक यज्ञोग नशाए, लोक विशोक बनाए बसाए, बंदौ कौशल्यादि से प्राची, कीरत जासु सकल जग माची। उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले के पाप समूह को
नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति संसार में फैली हुई है। प्रगटे मुझे रघुपति शशि चारु विश्व सुखद खल कमल तुषारु दशरथ राव रहित सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूरति मानी करहुँ प्रणाम करम वन बानी करहुँ कृपा सुत सेवक जानी जिन्ह विरज बड़ भयो विधाता महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुष्प और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र के सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई तथा जो श्री राम जी की माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदो अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु नृत इन परियो। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणव परिवजन सहित विदेहूँ जाहि राम पद गूढ़ स्नेहूँ जोग भोग मै राख्यो गोई राम विलोकत प्रकट्यो सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक को जी को प्रणाम करता हूँ जिनका राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वो प्रकट हो गया। प्रणव प्रथम भरत के चरणा जा सुनेम व्रत जाए न वरना राम चरण पंकज मन जासु लुबुध मुधुप यू तजय न पाशु। सबसे पहले मैं भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरों की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता रघुपति कीरत विमल पताका दंड समान भयो जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ और जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश दंड के समान हुआ है। शेष सहस्त्र शीश जग कारण जो व उतरे भूमि पर टारन सदा सुरासानुकूल रहमो पर कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वह गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी महावीर विनयो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं वर्णन किया है। जय श्री राम। रामचरितमानस की अन्य चौपाइयाँ सुनने के लिए तथा बालकांड के चौपाइयों को सुनने के लिए आप मेरे चैनल रमनिया स्टेट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा इसी प्रकार रामचरितमानस पाठ का आनंद लेते रहें। जय श्री राम। जय
तुलसीदास।